नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास प्रोग्राम और आपके पसंदीदा शो सितारों का आईना में, जिसमें हम आपको बताते हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी किसी फिल्म नाम, चेहरे, हस्ती, गाने, ट्रेलर का आईना जो लेकर एक बार फिर से हाजिर हैं। आज हम पवन सिंह के चौथे होली गीत का आईना आपको बताएंगे, जो कल गाना रिलीज हुआ ऑडियो सॉन्ग के रूप में, जिसे दर्शकों ने बहुत पसंद किया है। 4.5 लाख लोगों ने इस गाने को अभी तक सुना है। आप लोगों ने ही सुना तो ज़रूर सुनिए। गाने के बोल हैं, भाभी जी घर पर है क्या, और ये नाम सुनकर आप सीरियल मत सोचिए, क्योंकि ये गाना है होली का जबरदस्त धमाकेदार सॉन्ग है, जिसे सुनने के बाद पवन सिंह के फैंस झूमने पर मजबूर हैं। तो आप लोग भी सुनिए कैसा लगा है, उस गाने पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। लेकिन फिलहाल हम उन लोगों की प्रतिक्रिया लेकर आप लोगों के बीच आए हैं जिन्होंने इस गाने को सुन लिया है और गाने को सुनने के बाद इस गाने की तारीफ की है। क्या कुछ कहा है देखिए। गुड्डू सिंह लिखते हैं, आई लाइक यू सॉन्ग पवन भैया। रंजीत वर्मा लिखते हैं, बेस्ट सॉन्ग ऑफ पवन सिंह, लव यू भैया। आकाश त्रिपाठी लिखते हैं, पवन भाई लव यू, गुड सॉन्ग भाई। जोगेश्वर कुमार लिखते हैं, नाइस सॉन्ग पवन भैया जी, आई लव यू सो मच। विकास सिंह लिखते हैं, योर वॉइस इज माई फेवरेट। निगम लिखते हैं, लगने लगा है कि अब होली आ गया, जियो पवन भैया, तू शेर हवा यूपी बिहार के, हैप्पी होली भैया। मुकेश म्यूजिक लिखते हैं, वाओ भोजपुरी का नंबर वन सॉन्ग है, सॉन्ग को 20 मिलियन करना है होली तक, खूब शेयर करो इसे। अर्जुन राजभर लिखते हैं, लव यू पवन भैया, सुपर से ऊपर है क्रैक फाइटर। आर्य अभिषेक लिखते हैं, लाजवाब सॉन्ग, सुपर एंड बर्निंग होली। रॉक स्टार चंदन सिंह लिखते हैं, यार जितने स्पीड में पवन भैया के ऑडियो सॉन्ग के व्यू बढ़ते हैं, उतने स्पीड में बॉलीवुड के वीडियो सॉन्ग के व्यूज भी नहीं बढ़ते। ओसामा खान लिखते हैं, जियो सुपरहिट सॉन्ग है, वाओ नाइस टू। भोजपुरिया टाइगर लिखते हैं, सुपर से ऊपर लवली फैंटास्टिक सॉन्ग। अभिषेक गौतम लिखते हैं, क्या बात है भैया, लव यू अ लॉट। सत्या सिंह लिखते हैं, क्रैक फाइटर का पावर फुल सॉन्ग, आरसीएम डांस लिखते हैं, सुपरहिट ऑडियो। संजीत कुमार लिखते हैं, नेता तो सब बनते हैं लेकिन कोई मोदी ना हो पाए, गाना तो सब गाते हैं मगर कोई पवन सिंह ना हो पाएगा। सत्या सागर लिखते हैं, पवन सिंह भैया की तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। बबलू कुमार लिखते हैं, सुपर से भी ऊपर सॉन्ग है पवन भैया। गोविंदा राज लिखते हैं, का हो भाई, भाभी जी घर पर बड़ी का, तनी पता करो। हाइपर सिंह लिखते हैं, जियो मेरे शेर भैया जी, भाभी जी घर पर हैं क्या। रोहित कुमार लिखते हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री में एक लौती एक्टर और सिंगर हैं, भगवती पुत्र पावर स्टार पवन सिंह का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, जियो मेरे शेर पवन भैया। कुछ लोगों को पवन सिंह का ये गाना पसंद नहीं भी आया है, या फिर यूं कह लें कुछ लोगों ने आलोचना भी की है गाने की, कैसे देखिए जरा। पहला कमेंट विकास सिंह का है, जो लिखते हैं, अब कुछ नया करना चाहिए, हम आपके फैन हैं लेकिन आपका जितना लेटेस्ट सॉन्ग आ रहा है सब सॉन्ग का म्यूजिक ऑलमोस्ट सेम है, सो प्लीज डू सम बेस्ट बॉस। दीपक आनंद लिखते हैं, भाई लोग बुरा मत मानना, इस गाने में म्यूजिक और आवाज़ का कॉम्बिनेशन सही नहीं है, म्यूजिक ओवर है इसलिए पसंद नहीं आया, वैसे सिर्फ पवन सिंह का आवाज़ में तो दम है पर म्यूजिक तो एकदम गंदा है। प्रशांत झा लिखते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक इतना तेज है कि पवन भाई का आवाज़ दब रहा है। दीपक कुमार लिखते हैं, ये कैसा गाना है पवन भाई, जाहिद अख्तर बकवास गाना लिखा था वो। राज यादव लिखते हैं, खेसारी भैया कभी भी आगे रहेंगे, जो करना है कर लो, ओनली दबंग स्टार, कोई नहीं है खेसारी भैया के टक्कर में। राजपूत पुन्नू लिखते हैं, आपका साउंड का तो जोड़ा नहीं है बट आपको सॉन्ग ही अच्छा मिल नहीं पा रहा, इस पे ध्यान दीजिए। सरोज के जान पवन लिखते हैं, एक कमी बा गाना के साउंड क्वालिटी ठीक नहीं खेला गो। विकास यादव लिखते हैं, मधुकर आनंद को म्यूजिक डायरेक्टर लें। PKS लिखते हैं, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ पवन सिंह बट आई डिसलाइक दिस सॉन्ग ड्यू टू ओवर ट्यूनिंग एंड ओवर डीजे इफेक्ट इन द सॉन्ग, आई रिक्वेस्ट टू पवन सर एंड छोटे बाबा प्लीज मेक सॉन्ग प्योर एंड कीप इट ओरिजिनल, हिज ओरिजिनल वॉइस फेल्ट लाइक अमृत एंड पवन सर वॉइस नॉट रिक्वायर्ड एनी ओवर ट्यूनिंग इफेक्ट इन हिज वॉइस। जयंत लिखते हैं, ऐसा सॉन्ग होता है होली का, होली का सॉन्ग ऐसा नहीं होता है, होली का मतलब डीजे में बजा दो तो एक मिनट भी बॉडी रुके ना, और ये सॉन्ग में म्यूजिक अच्छा है ना सॉन्ग।
ऐसे कमेंट से निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हम हमेशा कहते हैं बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है, और बेशक से लोगों ने आलोचना की हो लेकिन उससे ज़्यादा लोगों को ये गाना पसंद भी आ रहा है। इसलिए आज के इस खास प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात ऐसे ही सोशल मीडिया पर रिलीज़ होने वाली किसी फिल्म नाम चेहरे हस्ती गाने ट्रेलर गायना लेकर। लेकिन तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।